राजनीतिक गलियारे में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगी हैं और चुनाव मैदान में विपक्ष का सामना करने को भी तैयार हैं। तो वहीं इस क्रम में महाराष्ट्र क्रांतिकारी सेना भी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र क्रांतिकारी सेना ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। साथ ही बीजेपी और शिवसेना के साथ गठबंधन करने के लिए बात कर रहे हैं। अगर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन नहीं करती है तो महाराष्ट्र क्रांतिकारी सेना के अध्यक्ष सुरेश दादा पाटिल ने कहा, 100 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी। मीडिया के साथ खास बातचीत के दौरान क्या कुछ कहना है महाराष्ट्र क्रांतिकारी सेना के अध्यक्ष सुरेश दादा पाटिल का और उनके कार्यकर्ताओं का, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहला महाराष्ट्र क्रांति सेना पक्षाचे जिल्हा प्रमुख रविंद्र साळुंके विधानसभेची उमेदवारी ते आहेत। त्याचबरोबर मागच्या वेळा लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी पूर्ण तयारी केलेले आमचे मित्र अक्षय सानप कुर्ला मतदारसंघातून ते होते, आता त्यांच्या मम्मीला आपण विधानसभा मतदारसंघामध्ये तिकीट जाहीर केलेलं आहे। त्याचबरोबर धारावी लोकसभा मतदारसंघामध्ये मागच्या वेळा लोकसभेची उमेदवारी भरलेले आमच्या पक्षाचे एक शिक्षित आर्किटेक्ट इंजिनियर असणारा पूर्वेश तावरे, तो आता कुर्ला मतदारसंघात विधानसभेसाठी इच्छुक आहे। या ठिकाणी यादीमध्ये त्यांचंही नाव समाविष्ट केलेलं आहे, ते पूर्वेश तावरे या ठिकाणी आलेले आहेत। दुसरे एक उमेदवार आहेत अंधेरीमधून, ती अतिशय धडपडे आहेत, समाजासाठी अनेक वेळेला आंदोलन हे सगळ्या सक्रियतेमध्ये भाग घेतलेला आहे, ते आमचे मित्र खामकर साहेब। आमच्या इचलकरंजीहून आलेले पक्षाचे इचलकरंजी परिसराचे प्रमुख रमेश पाटील आणि या ठिकाणी उपस्थित असणारे सर्व पत्रकार बंधू आणि भगिनी, महाराष्ट्र क्रांती सेना पक्ष हा गेल्या लोकसभेपासून महाराष्ट्र क्रांती सेना ये पक्ष गठबंधन में ये सरकार में है। लोकसभा चुनाव में हमने गठबंधन को उन्होंने लिया था, लेकिन अभी हमने ये प्रस्ताव दिया है कि हमारा महाराष्ट्र क्रांति सेना पक्ष को 10 सीट दे दीजिए महाराष्ट्र में, क्योंकि हमारा व्यासपीठ रहेगा खुद का, मराठा समाज का लीडर करने वाली ये सब संगठन है, और इसमें हमारा महाराष्ट्र क्रांति सेना के जो भी MLA चुन के आएंगे वो मराठा समाज और इतर समाज का भी काम करेंगे, इसीलिए हमने 10 सीट मांगी है। अभी तक मुख्यमंत्री हो या उद्धव जी ठाकरे हो, इनका अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। तो हमारा पार्टियों में जो कार्यकर्ता है उन्होंने ये बताया है कि जब तक निरोप आता नहीं है तब तक हम बैठना अच्छा नहीं है, इसलिए हम हमारा सब महाराष्ट्र में 288 में से 100 सीट खड़ा करने का हमारा इरादा पक्का हो गया है। उसमें से कम अभी 30 लोगों का मुलाकात लेके उनका नाम फिक्स करवाया है, आने वाले चुनाव में वो हमारे कैंडिडेट रहेंगे। आगे और भी 25-26 तारीख तक हमारा बाकी भी जो लिस्ट है 70 लोगों का लिस्ट फाइनल हो जाएगा, करीब हम 100 सीट ये आने वाले चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। जनता के जो सवाल है वो सवाल लेके ही हम लड़ने वाले हैं। ये जो इलेक्शन है ये तो एक प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर में हम सत्ताधारी पक्ष आज जो है उनके साथ में है, लेकिन हमारी जो खुद की जो बुनियाद है पार्टी की, ये पार्टी की बुनियाद जो किसान जो है, जो किसानों के लिए हम लोग चाहते हैं कि उनके इंच इंच ज़मीन को पानी मिले, और दूसरी बात है कि जहाँ जो फसल होती है वहाँ पे कारखाना कारखाने लगने चाहिए, और लगाने के लिए हमारा पक्ष का कोशिश करेगा। इसके पीछे ये है कि वहाँ का जो मजदूर है उसको नौकरी मिले, उसको भी रोज़गार मिले, और किसान जो है वो उनको जो उनका माल जो तैयार होता है, जब ज़्यादा तैयार होता है तो भी वो बेकार हो जाता है, और जब कम अकाल होता है तो भी उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो वहाँ पर अगर हम कारखाने ले जाएं प्रक्रिया करने वाले तो उनके माल को भाव मिलेगा, और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, और ये जो
पूरा जो युवक या युवती हमारी है, जो बेरोजगारी अभी चल रहा है, इसलिए हमने एक रथ यात्रा निकाली थी हमारी तरफ से, कि जो युवा लोग थे उनसे हमने संवाद किया कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स है। कम से कम 150-200 प्रॉब्लम्स हमें जो कॉमन आ गए, बहुत जगह हमने जहाँ जहाँ अभी विजिट की या मीटिंग की थोड़ी सी, तो उससे बेरोजगारी एक पहला आ रहा है, बिजनेस कौन सा करना है वो नहीं आ रहा है, थोड़ा मोटिवेशन करना पड़ रहा है, तो वो हमारी पार्टी की तरफ से और जो सुरेश दादा ने हमें जो बोला गया उस तरीके से हम काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है, बल्कि अभी इस विधानसभा में आपको दिखेगा भी हमारे जो कैंडिडेट्स खड़े रहेंगे उसमें हमारा काम 100% श्योरली आप लोगों को दिखाई देगा।